पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद में ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 जैसे पिछले 2 साल से ईद का त्योहार बंदिशों के बीच मनाया जा रहा था। 2 साल बाद ईदगाह पर लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। मुरादाबाद जनपद में सुबह 8 बजे शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा कराई। यहां हजारों की तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। यहां भीड़ इतनी थी कि ईदगाह मैदान फुल होने के बाद दोनों तरफ करीब 1 किलोमीटर तक सड़कों पर भी कदम रखने की जगह नहीं बची। ईदगाह मैदान फुल होने के बाद नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद शहर इमाम ने दुआ कराई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मुरादाबाद में ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के साथ ही शहर की मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। छतों पर भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और SSP हेमंत कुटियाल खुद भी ईदगाह मैदान पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने ईदगाह के 5 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा के बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए थे। देखिए, अभी तो सबसे पहले मैं इस ईद के अवसर पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और हम कामना करेंगे कि हमारे जनपद की तरक्की हो, हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे प्रदेश की तरक्की हो। और आज अभी ईद का ये पूरा जो कार्यक्रम है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है और लोग एक दूसरे से खुशियां बांट रहे हैं, तो आज उन खुशियों में शरीक होने का अवसर है और हम उन खुशियों में शरीक होने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बाकी पर्याप्त फोर्स लगाई गई थी, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ से भी हमें लगातार सहयोग मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। नगर निगम जो हमारा नगर निगम के और विंग्स हैं, चाहे सफाई संबंधित हो, चाहे जलकल से संबंधित हो, पिछले लगातार 10 दिनों से लगातार ये लोग कार्य कर रहे हैं। बाकी सारे हमारे मजिस्ट्रेट साहबान, सभी पुलिस अधिकारीगण, सभी लोग पिछले 1 हफ्ते से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और हम लोगों को आज अच्छा लग रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। आज सबसे पहले आप देखें कि जनपद में सब जगह ईद मनाई जा रही है, ईद की दुआ करी जा रही है। सभी जनपद वासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और एक बहुत ही हैवी एक्सरसाइज हुई है इसमें, चाहे वो क्या कहते हैं लोगों से बातें करना हो, जगह जगह मीटिंग करी जा रही हो, इससे बहुत हमें लगातार इंटरेक्शन हुआ है पब्लिक से। कम्युनिटी लेवल पे हमने लोगों से बात करने का प्रयास किया है और इससे ज़्यादा क्या कहते हैं, और ताकि एक एक व्यक्ति हमारे प्रशासन के साथ जुड़े, ये लगातार प्रयास हुआ है और प्रयास से हम बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। और आज जो ज़्यादा व्यवस्था है, हमारा मेन कंसंट्रेशन है फैसिलिटेशन और ट्रैफिक व्यवस्था, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। बाकी पूरे जनपद की फोर्स, चाहे शहर हो या देहातों, सब जगह लगाई गई है। मुख्यालय से PSC भी हमें मिली है, जो भी हमें अलग अलग चौराहों पे स्पेशली स्मूथनेस ऑफ ट्रैफिक, जो अगेन मैं कहता हूँ कि ये त्यौहार फैसिलिटेशन के लिए होते हैं और क्या कहते हैं, ताकि सुरक्षा का माहौल हम लोगों को दे पाए। प्रेजेंटेशन अपने हमारे अपने क्या मौके पे हम लोग रहते हैं। आज भी क्या कहते हैं ईदगाह पे शांतिपूर्वक और बहुत ही उम्दा तरीके से ईद मनाई जा रही है और दोबारा मैं सभी को शुभकामनाएं बधाई जा रही हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।